Here's what voters who've come out to cast their vote this morning have said so far. Listen in. पहली बार 10 साल के बाद आया वोट डालने के लिए हम बहुत परेशानी थी यहाँ पर बेरोजगारी है यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ नहीं है यहाँ पर इसलिए हम वोट डालने के आए और अमन चाहे अमन चाहते हैं इसलिए के लिए वोट होते हैं और इसलिए होते हैं हम बहुत खुश हैं। हाँ बहुत 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 खुश है। मैं यहाँ के लोगों को इल्तिजा करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी आए और अपना वोट डाल दे। हाँ इसलिए तो क्या मुद्दे हैं इस इलाके के? बहुत मुद्दे हैं हमारे पास। हाँ बहुत मतलब यहाँ की बेरोजगारी है, यहाँ डेवलप होना चाहिए। हम खुश हैं वोट डाल रहे हैं, 10 साल के बाद हमें मौका मिला है अपनी बात कहने का वोट के जरिए, क्योंकि इस कश्मीर को हम माना जाता था ये पुरअमन वैली थी। हम बहुत इनोसेंट थे इस मामले में। हम कहते हैं कि ऐसा ना हो कि यहाँ के लड़कों को और खुदा न खास्ता उनके साथ गलत हो जाए। आज हम अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमसे जो गलत हुआ है, गलत फैसला हुआ है, उसके खिलाफ हम निकले आज अपने मतलब राय रखने के लिए वोट के जरिए। कैसे देख रहे हैं इसको, एक डेब्यूटेंट आपके खिलाफ बीजेपी ने उतारा है? देखिए ये 10 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं और लोगों में इतनी खुशी है कि भाई हम अपना नुमाइंदा चुने और अपनी मंत्रिसभा सरकार बनाए। 10 साल में यहाँ क्या हुआ? ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही, कोई सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई स्कूल, रास्ता, कुछ भी नहीं बना। तो लिहाजा लोग जो हैं आज बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आपकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आरोप लग रहा है दैट यू आर बैटिंग फॉर स्टोन पेल्टर्स, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजिंग टेरर अक्यूज्ड। हमें बीजेपी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमने 6,000 जो है फील्ड कमांडर कमाए, जो फील्ड में काम करते थे लोग, वो तो एक खुली किताब की तरह है। तो ये अभी हम पे क्या क्या इल्जाम लगाए हैं इनको, अब्दुल्लाज और मुफ्तीज के बगैर कुछ भी दिखता नहीं है यहाँ। ये 8 तारीख को पता चलता है, कल जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। You are sure that NC will emerge as the single largest party and you will win? इंशाल्लाह। आप देखिए, आप ओपिनियन पोल देखिए, आप ओपिनियन पोल क्या आता है, लोगों का रुझान क्या है, कश्मीर में देखिए एज वेल एज जम्मू में देखिए, चुनाव में तो आप हैं ही हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है 2/3 मेजोरिटी से। I now want to go across to my colleague Arunima, who's joining us from Kishtwar, which is witnessing polling as we speak. Very good morning to you, Arunima. You know, the report that Ishan just brought to us from Bijbehara looks extremely promising. A large number of people have turned up for voting this morning. What's the mood on the ground from where you're reporting? And tell us a little bit about what people are making of the several alliances that have shaped up right before the assembly elections, from the Gupkar alliance and the fallout that alliance saw to several smaller alliances and, of course, the NC and the Congress coming together. See, even in Kishtwar, Doda, this is the Chenab Valley area. If you look at Jammu and Kashmir, broadly it is categorized into 3 groups. One is, of course, the Kashmir Valley, North Kashmir and South Kashmir. Second is the Jammu area. And within the Jammu area, Chenab Valley, which is the Kishtwar, Doda, Basantgarh, Udhampur, this particular area, Ramban, Chenab Valley has seen a number of terror attacks in the last 6 months. Is there an impact of that fear on the voters' psyche? Does not look like. A group of women voters, some have voted, others have the voting slip in their hands. आपने वोट दे दिया है, देखिए दे ऑल वोटेड। सुबह सुबह 7-7:30 बजे आप लोग लाइन में खड़े थे। घर में बहुत काम होता है महिलाओं को, हाँ जी, लेकिन वो सब छोड़ कर आ पाए। हाँ जी, हाँ जी, वोट देना जरूरी होता है, वोट देना जरूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जब तक बीजेपी नहीं जीतेगी तब तक हम खाना भी नहीं खाएंगे, भूखे आए हैं, चाय भी नहीं पिए, कुछ नहीं किया। हमको यही मुद्दा है कि खाना तब खाएंगे जब बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है, क्यों आप लोग चाहते हैं कि आपका कैंडिडेट? बहुत झेला है मैम, बताइए क्या झेला? बहुत झेला है,
कुछ और बताइए, क्या मतलब डर का माहौल झेला? हाँ जी, डर का माहौल था आतंकवादी की वजह से, लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। और इस बार हमने जीत जलाना है शगुन पटियार जी को, क्योंकि वो हमारी बेटी है, इसका साथ उसका विकास हमारा एक ही है। डर का माहौल ये लोग बता रहे हैं, लेकिन चार दिन पहले ही इन्हीं पहाड़ों पे किश्तवाड़ में जब प्रधानमंत्री यहाँ थे, गोलियां चली, दो हमारे आर्मी के लोग मारे गए, तो क्या इन घटनाओं से डर का माहौल वापस नहीं लौटा? इतनी सारी घटनाएं डोडा किश्तवाड़ में छह महीने में हो गई है, तो आप उससे डर? हम डरे नहीं, जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है तब से हमें कोई डर नहीं है। हमारी बीजेपी सरकार में भी बीजेपी सरकार आनी चाहिए, हमारे मोदी जी जीते। दीज आर ऑल हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स, सम ऑफ देम से दैट दे हैव सफर्ड यू नो अ माहौल ऑफ डर, एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, एंड दैट्स व्हाई दे वांट द लोकल बीजेपी कैंडिडेट शगुन परिहार टू विन। बट देर आर लॉट ऑफ सपोर्टर्स फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। इफ यू वॉक डाउन दिस रोड, दैट्स वेयर यू नो शहजाद अहमद किचलूज वोट इज, एंड देर आर लॉट ऑफ सपोर्टर्स फॉर हिम टू। सो दिस इज अ टफ इलेक्शन इन किश्तवाड़, बट भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली इज फैंसिंग इट्स चांसेस। Oh, absolutely. And look at the women voters who've turned up to vote, to cast their